हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए हाइलाइटर की वीडियो लेकर आई हूँ कि जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप नॉर्मल तरीके से घर पे किस तरीके से हाइलाइटर बना सकते हैं। तो ये देखिए, आपने लेना क्या है, एक ये छोटी कंटेनर आपने ले लेनी है। ये हमारा फेस ऑयल है, आप गुड वाइब्स का है तो आप कोई सा भी फेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। और ये हमारा जो ड्राई वाला ग्लिटर होता है, देखिए वो हमने ले लेना है। ये मैंने गोल्डन टच में लिया है, आपके पास सिल्वर में है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आप इसमें ये क्लिंजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास कोल्ड क्रीम है कोई तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कोल्ड क्रीम यूज़ किया है, मैंने इन दोनों ऑयल में से और क्लिंजिंग मिल्क में से कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ कोल्ड क्रीम यूज़ की है। तो मैं बताती हूँ आपको, इस कंटेनर में आपने इस तरीके से ग्लिटर निकाल लेना है, और अपनी जो हमारी कोल्ड क्रीम है उसमें से थोड़ी सी, देखिए इस तरीके से इतनी सी कोल्ड क्रीम लेनी है, और इसमें अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग हम इतनी अच्छी सी करेंगे कि हमारी जो ग्लिटर है वो कहीं से सूखा ना रह जाए, और जो हमारी क्रीम है वो भी कहीं एक थोपा थोपे थोपे की तरह से हार्ड हार्ड पीसेस ना रह जाए। तो इस तरीके से आपने अपनी जो हाइलाइटर बनाना है वो इस तरीके से बनाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, मैं मिक्सिंग आपके सामने करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने मिक्सिंग करनी है। अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जब भी इसको, ये मैंने गोल्डन टच में बनाया, बहुत अच्छा गोल्डन ग्लिटर काम करेगा ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने इस तरीके से इसको अच्छे से ग्लिटर जो मिक्सिंग हमने करनी है हाइलाइटर की, वो इस तरीके से करनी है। तो देखिए, मैं अपने फेस अपने हैंड पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको लगाएंगे। तो आपने इस तरीके से देखिए हल्का सा ले लेना है, और अपने हैंड पर इस तरीके से आपने मसाज करनी है। तो इसका आपको दिखाई देगा कि अगर आपने अब ये आप अपने फेस पर अप्लाई, तो ये देखिए अपने, मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके का कलर इसका आया है। ये देखिए, अगर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और लगा के आपको दिखा देती हूँ कि आपको इसमें फ़र्क नज़र आ जाएगा कि किस तरीके का ये हाईलाइट होगा। तो ये अगर आपने बेस से पहले या लगाते हैं आप, तो इसकी इसके ऊपर आप जो भी मेकअप करोगे बहुत अच्छा मेकअप आएगा आपका। तो इसको यूज़ करने का तरीका बस यही है, आपने इसे इस तरीके से बना के रख लेना है, और इसको थोड़ा ही बनाइएगा, और इसको उसे अपने कंटेनर में रख लीजिए, और जब आप मेकअप करते हो तो उससे पहले थोड़ा सा लगा लीजिए। और तो ये बहुत, अगर करते हो आप इसे, बहुत अच्छा लुक आता है इससे अगर आप इसके ऊपर मेकअप करते हो। तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल पर नए हो, अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, और मेरे मुझे बताते रहिए मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से ये बनाकर इस कंटेनर में हमने सेव करके रख लेना है अपने। तो जो ये मेरा है वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने सोचा इसमें कोल्ड क्रीम हल्की सी, अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो आप इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा और ये जो हमारा ड्राई वाला हाइलाइटर है वो मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और इस तरीके से अच्छे मिक्सिंग करते हुए इसको आप इस डब्बी में मिक्सिंग अच्छे से कर दीजिएगा बस, और अपने ही सेव करके रख लीजिए। और ये कहीं आपके जो मेकअप है उसके हर हर बार में मेकअप में आपके ये यूज़ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको अभी इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने हैंड्स पर लगाया, अप्लाई किया, और दोनों हाथों में किस तरीके का आपको फ़र्क भी ये दिखाई देगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अगर आप नहीं, महंगा आप मार्केट से खरीद सकते हैं, तो आप इस तरीके से ये अपना घर पर बनाकर और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी मेरी वीडियो देखने मेरी वीडियो के देख